YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस शेयर को बाय करते हैं निश्चित रूप से ये काफी बेटर रिटर्न देगा आपको लॉन्ग टर्म में, साथ साथ ही शॉर्ट टर्म में। इसमें जो पहला शेयर हमारा वो है डाबर। डाबर काफी बेहतरीन कंपनी है, खास करके ये आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है जो कि मार्केट में एक मोनोपोली रखता है। तो काफी बेहतरीन ये शेयर है फंडामेंटल बेसिस। तो हम यहाँ पर प्योर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आपको बाय करना चाहिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं और यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है वो स्टॉप लॉस आपका होगा जस्ट ये जो 550 रुपया है उसके नीचे क्लोजिंग बेस आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जो एक रेसिस्टेंस था या सपोर्ट था, मतलब इसके ऊपर प्राइस था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे था तो ये देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया था। एक बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ, फिर से यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से ये ऊपर चला गया। तो काफी बेहतरीन लेवल पे ये स्टॉक्स है। अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। देखिए यहाँ से ये जो टारगेट है आपका लगभग 10% है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप इसके ऊपर और 10% का टारगेट रख सकते हैं। तो लगभग 20% यहाँ से आसानी से आपको मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। हर गिरावट में आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए इस स्टॉक्स को। तो डाबर हमारे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ अभी बाय कर सकते हैं, काफी बेहतरीन शेयर काफी अच्छे लेवल पे मिल रहा है और यहाँ से 10% गिरावट पे अभी भी ये स्टॉक्स मिल रहा है और यहाँ से 10% तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो टारगेट है। फिर इसके ऊपर 10% आप रखेंगे लगभग 20% का यहाँ पर आपको टारगेट मिल सकता है। फिर अगला जो स्टॉक्स है वो है मैरिको। मैरिको भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है, तो ये स्टॉक्स भी काफी जबरदस्त है। ये भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर जो है रिटेस्ट भी कर चुका है। ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करता था, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो जस्ट 489 के नीचे रखना है क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे क्लोज होता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। काफी बेहतरीन शेयर है। देखिए छोटा सा रिस्क है और टारगेट देखिए काफी बड़ा है। अगर यहाँ पर टारगेट की बात करें तो कम से कम तो यहाँ पर 15% से 16% का आपको टारगेट रखना है और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर 30% से एफओ का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि काफी बेहतरीन है। ऐसे फंडामेंटल सॉलिड शेयर में अगर आपको 30% मिल रहा है तो काफी बेहतरीन होगा। और यहाँ पर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था। यहाँ पर देखिए इसको अगर मिला है तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन था। तो देखिए पहले ये नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, मतलब इस जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर इस रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है जबकि टारगेट यहाँ पर अच्छा खासा आपको 15% फिर 30%। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो हर गिरावट पे आपको इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हर गिरावट पे इसको बाय करते रहिए, जब भी डीप दे उस डीप पे बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट को लीड करता है, जैसे पैरासिट ऑयल हो गया। तो दोनों स्टॉक जो है वो एफएमसीजी सेक्टर में है, एक आयुर्वेदिक सेक्टर में और दूसरा जो है जो हम पर्सनल केयर में यूज करते हैं, डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको मैरिको बनाती है। वही डाबर जो है आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो ये तो बेहतरीन कंपनी है जिसको आप अभी बाय करके चल सकते हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट है, पहला जो टारगेट आपको हमने यहाँ पर बताया वो होगा 590 रुपया का। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना इसका डिप्ट है यहाँ से, मतलब 15% ऊपर बोल दीजिए, 30% दूसरा टारगेट होगा आपका। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस शेयर में आप जरूर इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अच्छा यहाँ पर आपको गेन मिले। और कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है। और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।